हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी। रजनी की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ी। ये देखिए, हमने एक टिफ़न में दही ली हुई है, एक छोटी कटोरी में बेसन लिया हुआ है, दो प्याज ली हैं, एक लहसुन की पोती ली हुई है। ये देखिए, हमने कुकर लिया है, कुकर पर हमने छलनी रख रखी है। आप इसमें जो है, हमने जो बेसन लिया हुआ है उसे हम इसमें छान लेंगे। आप चाहें तो प्लेट में भी छान सकते हैं, मैंने कुकर में बनानी है तो इसलिए मैंने कुकर में ही छन्नी रख कर छान लिया है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे रख कर छान लें। इसे छानना इसलिए पड़ता है कि अगर बेसन में कुछ है, कुछ पिराई वगैरह आ जाती है कभी कभी, तो उससे साफ़ हो जाता है बेसन। हमारा कढ़ी बनकर अभी अच्छी बनती है इससे। ये देखिए, मैंने ये बेसन को छान लिया है। इसमें जो डली वगैरह निकलेंगी वो हम अलग कर लेना है हमें इससे। ये देखिए, हमने बेसन बिल्कुल छान लिया है, हमारा बिल्कुल साफ़ हुआ है बेसन, इसमें कुछ नहीं था। ये देखिए, अब हम इसे जो है दही को भी छान लेंगे। छानते इसलिए हैं कि इसमें जो मलाई वगैरह आती है वो जो है छलनी में ही रह जाती है, और हमारी जो कढ़ी है वो बढ़िया बनती है इससे, इसीलिए छानते हैं हम। नहीं तो इसमें छानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप नहीं छानना चाहते तो मत छानिए, लेकिन हम इसे छानते इसीलिए हैं। ये जो मट्ठा वगैरह जो दही है, ये गाढ़ी होती है, इसीलिए हम इसे छान लेंगे। इसमें जो हमारी मट्ठे में वो दही में वो आ जाती है हल्की हल्की सी मलाई सी, वो अलग निकल जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी कढ़ी जो है बिल्कुल स्वादिष्ट बनती है। ये देखिए, ये आ जाएगा, इसे अलग रख लीजिए। और आप जो है फिर इसे सारे को छानने के बाद आप अपने हिसाब से पानी डालिए। मैंने एक टिफ़न दही ली है तो मैंने एक ही बोतल इसमें पानी डाला है। इससे क्या है कि हमारी कढ़ी में जो ज़्यादा बेसन है उसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े ही बेसन में काम हो जाता है, अच्छी भी बनती है। ये देखिए, हमने एक चम्मच हल्दी ली है, एक चम्मच ही हमने लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, एक बोतल हम पानी इसमें एक साथ ही डालकर इसे फेंट लेंगे। ये देखिए, मैंने जो रई वगैरह होती है हमारे घरों में, मैंने उसी से इसे फेंट लिया है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे फेंट लीजिए। तो इससे क्या होता है, हमारा बेसन, दही और जो भी हमने इसमें हल्दी, मिर्ची, ये सब चीज़ डाली हुई हैं, बिल्कुल परफेक्ट मात्रा में मिल जाएंगी। आपको हाथ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इतना अच्छा पेस्ट हो जाएगा हमारा बनकर। अब आप इसे जो है तेज़ गैस पर चढ़ा लीजिए। तेज़ गैस पर इसलिए चढ़ाते हैं कि मंदी गैस पर हमारी कढ़ी बनती नहीं है अच्छी, तब तक ये फदकेगी नहीं। तब तक आप इसे तेज़ी गैस पर रखिए, और नमक जब ये फदक जाए तब डालिए, आप इससे पहले मत डालिए। इससे क्या होता है, नमक अगर हम पहले डाल देते हैं तो हमारी जो कढ़ी है वो बार बार ऊपर को आती है, इसीलिए हम जब फदक जाएगी तभी डालेंगे इसमें नमक। ये देखिए, इस तरीके से हमारी कढ़ी का पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और जो हमने प्याज ली हुई थी, लहसुन ली हुई थी, ये मिक्सी में हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्सी में पीस अच्छी तरीके से पीस लीजिए, मोटी मोटी नहीं, बारीक कर लीजिए अच्छी तरीके से। इसमें हमने अदरक का टुकड़ा भी डाला हुआ है। ये देखिए, आप इसे मिक्सी में डालकर पीस लीजिए। आपके पास अगर सिल वगैरह हो तो उस पर भी पीस सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं मिक्सी में ही पीस कर दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, इस तरीके से हमारी मिक्सी में पिसका जो है पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसे अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। ये देखिए, हमारा इधर हमारी जो कढ़ी है वो फदक कर तैयार हो गई है। देखिए, जो साइड में आता है इसको क्या करना है, इसे छुटा लेना और हमारी जो कढ़ी बन रही है उसी में ही मिला लेना है। देखिए, कढ़ी को जब तक बनती नहीं है, फदकती नहीं है, तब तक आप इसे चलाते रहें कंटिन्यू, नहीं तो ये फटी फटी सी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए, हम अब इसके लिए पकौड़ी बनाएंगे। तो जो हमने बेसन लिया है उसमें हम खाने का बहुत ही थोड़ा सा, एक चुटकी ही सोडा डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। कढ़ाई हमने चढ़ा ली है, इसमें तेल गर्म हो जाएगा। ये देखिए, जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तभी हमने ये कढ़ी के लिए पकौड़ी बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए, अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी जो बनाया हुआ था बेसन डालकर पेस्ट बनाया पकौड़ी का, वो डाल रहे हैं चम्मच से। आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चम्मच से ही डाला हुआ है। बेसन में इसीलिए हम जो मीठा सोडा डालते हैं ताकि जो हमारी पकौड़ी हैं फूल कर काफ़ी अच्छी बन के तैयार होती हैं और सॉफ्ट भी बनती हैं। ये देखिए, हमने दूसरे गैस पर अपनी कढ़ी रखी हुई है, उधर हमारी ये कढ़ी फदक रही है। ये देखिए, बिल्कुल फदक कर तैयार हो गई है। अब इसमें आप नमक डाल सकते हैं। ये देखिए, इधर हमारे पकौड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप इसे जो है एक कढ़ाई ले लीजिए। इस कढ़ाई में हमने अजवाइन डाली हुई है, इसमें इसी के साथ आप हींग डालिए। ये देखिए, हम हींग दिखा रहे हैं आपको इसी तरीके से, क्योंकि हींग नहीं तो कच्चा रह जाएगा, हींग ज़रूर डाला जाता है। ये देखिए, मेथी,
मेथी ही कढ़ी की जान है। कढ़ी में जरूर मेथी का छोंक लगाइए, अन्यथा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कढ़ी बनाई है कि नहीं। ये देखिए हमने तेजपात के पत्ते डाले हुए हैं। अजवाइन हम इसलिए डालते हैं ताकि जो हमारी कढ़ी है उसमें बाय की शिकायत ना हो, अजवाइन जो है इसे सबको खींच लेती है। ये देखिए हमारा भुनकर तैयार हो गया है। अब जो हमने कढ़ी एक दूसरे उस पर फदका रखी है गैस पर, उसे इसमें डाल लेते हैं। ये देखिए हम इस तरीके से डाल रहे हैं, इसमें इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इस तरीके से आप बनाएंगे तो। देखिए आज तक आपने, ये देखिए हमारी बनकर तैयार हो गई है जो हमने पेस्ट डाला था। इसमें अब हम पकोड़े डाल रहे हैं। इसी तरीके से आप भी इसमें अपने पकोड़े डालकर थोड़ी सी देर के लिए गैस पर ही छोड़ दीजिए, ताकि ये जो हमारे पकोड़े हैं ये अपने में कढ़ी को पकड़ लेंगे। ये देखिए हमने तवा लिया हुआ है, इसमें हम अब देसी घी डालेंगे। ये देखिए मैंने बड़ी 2 चम्मच देसी घी लिया हुआ है। देसी घी इसलिए डालते हैं कि कढ़ी में जो हमारी जो कढ़ी बनकर तैयार होगी उसमें देसी घी की खुशबू अलग सी ही आती है। ये देखिए हमने 5 से 7 हरी लाल मिर्च ली हुई हैं, ये हमने घी में भून लेनी है। ये हमारी जो प्याज थी वो भी हम जो हमने मिक्सी में ग्राइंड की हुई है इसे भी साथ में भून लेंगे। इसे अच्छी तरीके से भूनना है ताकि कच्ची ना रह जाए, नहीं तो कच्चे जो लहसुन ये जो वगैरह हैं लहसुन वगैरह की महक आती है। ये देखिए हमारा भूनकर तैयार हो गया अच्छी तरीके से। अब हम इसमें लाल मिर्च का जो पाउडर आता है उसे डाल कर दिखा रहे हैं, क्योंकि लाल मिर्च का पाउडर इसलिए डालते हैं जो हमारी कढ़ी है उस पर जो कलर है बहुत अच्छा आता है, और देसी घी की खुशबू तो बस कढ़ी की जान ही बना देती है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा मसाला तैयार हो गया है कढ़ी में छोंक लगाने के लिए। ये देखिए इसी तरीके से आपको भी डालना है। आज तक आपने पंजाबी स्टाइल कढ़ी, हरियाणा स्टाइल कढ़ी, राजस्थानी स्टाइल कढ़ी तो काफ़ी सुनी होंगी और देखी भी होंगी, लेकिन आज आप पहली बार यूपी वालों की कढ़ी देख रहे हैं, और यूपी वालों की पहली बार ही आप कढ़ी बनते हुए यूट्यूब पर देख रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा कलर आ जाएगा कढ़ी का। कढ़ी जब बनकर तैयार हो जाएगी उसके बाद जो कढ़ी का कलर आता है वो बहुत ही सुंदर होता है। खाने में भी ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होती है, क्योंकि हमने इसमें जो मसाले डाले हैं उससे कढ़ी आपको कभी नुकसान ही नहीं देगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा